हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप साहब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी 11:30 बज रहे हैं, आज संडे का दिन है। हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो भी बता देती हूँ। नेहा को अभी तक घर नहीं दिखाया है, वहाँ जो घर में मैं बहुत बार जाती हूँ, तो आज सोच रहे उसको घर दिखा देते हैं, क्योंकि अभी वो दोबारा से मायके जाएगी, अभी नहीं जाएगी, तो उससे पहले घर दिखाना ज़रूरी है। तो संडे है, पीयूष लकी भी घर में है, और आज का दिन मतलब कि काम भी मेरा इस समय तक सब कंप्लीट हो गया। खाना नहीं बना है और सब काम कंप्लीट। कपड़ा धो के खूब सारा मैंने बाहर डाल दिया है। पहले तो मतलब कि बादल हो रहा था, बरसात जैसा लग रहा, क्योंकि सब जगह बरसात हो रहा है इस समय भी। मेरे यहाँ गाँव में हो रहा है और सब का जगह मुझे पता नहीं, राजस्थान में हो रहा है। यहाँ भी हल्का बूंदा बूंदी सुबह हुआ था, पर अभी धूप अभी तुरंत आ गया है, तो कपड़ा सूख जाएगा। हालांकि आ जाएंगे हम एक घंटा लगभग मेरे ख्याल से लगेगा, तो दूर है जाना। उसके बाद बीच में फाटक आता तब टाइम लगता, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो सब कोई बाहर में आ गए हैं, मेरा दूध चढ़ा हुआ है, तो फिर उसके पापा देख लेंगे, क्योंकि दूध इसी से आता है। तो वहाँ का थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। यहाँ हम घर पे पहुँच चुके हैं। आज मैं अंदर से आपको घर दिखा दूँगी, इतना दिन से मैंने अंदर से नहीं दिखाया, आज दिखा दूँगी। हालांकि काम अभी भी बाकी है, पूरा काम हुआ नहीं है, फिर भी दिखा दूँगी, क्योंकि पहले वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कोई साथ में नहीं आते थे। अभी पीयूष आया तो पीयूष दिखा देगा। तो ये सबसे मेन गेट एक उधर से है जो पहले मैं खोल रही थी, एक इधर से अंदर से है हो रहा, वो बाद में खोल के दिखाऊँगी, पहले अंदर से दिखा देती हूँ। उसके बाद ये पूजा रूम है, गेट में अंदर जाते के साथ में पूजा रूम है, फिर से दिखाऊंगी। पहले समझ में नहीं आया तब दोबारा से दिखाऊंगी कि ये सामने जैसे इधर से जा रहे हैं, ये गेट अंदर में है, एक बाहर से गेट है, दो गेट है इसमें, क्योंकि इधर खाली जगह भी है थोड़ा बहुत, जितना मैं ज़मीन में घर बना हुआ उतना खाली जगह भी है। और ये सामने में है, कुर्सी लगा के यहाँ बैठ सकते हैं, गेट है बड़ा वाला। और उससे पहले यहाँ पूजा रूम है, गेट में अंदर आने के साथ में ये पूजा रूम है छोटा सा, ये हॉल है। ऊपर में भी रूम बना वो भी दिखा दूंगी, पहले यहाँ का दिखा। हॉल के पास में ही किचन है, हॉल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक है। इसके बाद में ये है वॉशिंग एरिया, मतलब मशीन लगाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए। ये बड़ा रूम है आंटी जी का, इसके अंदर है बाथरूम ये वाला, जो अभी भी काम बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अभी रुका हुआ है काम। इसके बाद ये दूसरा वाला रूम है,
ये दूसरा वाला रूम है, इसके अंदर भी बाथरूम है, तो इसके अंदर का बाथरूम ये दिखा देती हूँ। अलग अलग है दोनों के, अटैच लेटरिन बाथरूम है दोनों का। उसके बाद में ये है ऊपर जाने के लिए, पहले ये गेट खोल के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये टाइट होके रखा हुआ पूरा टाइट है, क्योंकि नहीं खोलते तो ये अपने आप में टाइट हो जाता, फिर नया लगा हुआ है तो वैसे भी टाइट है, बार बार खोलेंगे करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक। ये है यहाँ का एरिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला पूरा है। ऊपर से और दिखा दूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। हालांकि पहले जब मैं आई थी आज के 2 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, केवल खेत जैसा पूरा लगा हुआ था। अभी जब भी आती हूँ तो कुछ न कुछ अलग नया नज़र आता है, जो देखने से आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि छत से और दिखाऊंगी, क्योंकि घर बन रहा है यहाँ, धीरे धीरे घर बन रहा है। पास में तो घर बन रहा है, रहते भी हैं कुछ लोग यहाँ, एक दो घर में रहते हैं। अब फिर गृह प्रवेश आंटी जी का होगा, उसके समय तक एक दो घर में और आ जाएंगे। अब ऊपर का दिखा दूँगी कि फिर छत से दिखाऊँगी। हालांकि पीयूष पहले ही आपको दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रही हूँ। मैंने अभी उसको वीडियो बहुत अच्छे से बनाना आता है, यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है, बल्कि यहाँ बालकनी में बैठने के बाद कितना मन लगेगा, कितना अच्छा है, खुला खुला एरिया है। मेरे यहाँ जहाँ घर बना हुआ है, मेरा घर है, वहाँ पूरा बंद है, क्योंकि अंदर पूरा रोड है, वो ज़्यादा थोड़ा सा ये हो हल्ला वाला है। यहाँ शांत वातावरण है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ सामने में सब जगह बाउंड्री जो बना है, वहाँ सब जगह धीरे धीरे घर बन जाएगा, तो ये एरिया अच्छा बन जाएगा। फिर भी खुला खुला रहेगा, खेत भी है पीछे, वहाँ भी मतलब ज़मीन बिकी रहा है अभी, ये नहीं है, ये ऊपर का है। ऊपर आने के साथ में ये फर्स्ट रूम है जो मेरा फेवरेट है, पूरा खुला खुला रूम है। इसके बाद ये हॉल है, जैसा नीचे है वैसा का वैसा ऊपर भी है, पर ऊपर है ये नीचे अटैच बाथरूम है, ऊपर में नहीं है, ऊपर में एक जगह ही बना हुआ है। ये दूसरा वाला रूम है जो सीढ़ी के बगल में है, एक खुला वाला रूम है, बैठक जिसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ का बालकनी देखिए कितना बड़ा सा बालकनी है, पूरा खुला खुला बालकनी है, उसमें भी गेट निकला हुआ है, दोनों रूम के बाहर में बालकनी है। तो यहाँ भी मतलब कि गर्मी में बैठ सकते हैं आराम से, या फिर सर्दी में धूप के समय बैठ सकते हैं। लेकिन ये वाला घर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे 2 रूम हैं और ऊपर में 3 रूम है। नीचे मतलब कि एक पूजा रूम हो गया छोटा, और ऊपर में 3 रूम हो गया है, तीनों रूम बराबर बराबर का सा अलग, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है, किचन है, फिर हॉल है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है, एक परिवार के लिए रहने के लिए सबसे अच्छा है। मैं तो यहाँ बहुत बार आई हूँ, मैंने आपको दिखाया भी पर अंदर से नहीं दिखाया, तो आज मैंने अंदर से आपको दिखा दिया है। और फिर नया को भी पिछले वाली वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था, रेसिपी जिसमें दिखाया था तो उसमें कमेंट आया था कि आपने भाभी को दिखाया नहीं, तो अभी मैंने दिखा दिया नया को भी, क्या किसी को लेके आए घर दिखाने के लिए। यहाँ दोनों रूम के बीच में ये बाथरूम बना हुआ है, अलग अलग नहीं, मतलब कि अलग अलग नहीं है, एक बाथरूम है जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे रूम के अंदर जो बाथरूम रहता है वो मुझे पसंद नहीं है, ये वाला मुझे पसंद है। उसके बाद ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, ऊपर में रूम ने बना हुआ है, ऊपर में छत है, और एक जैसे ये बना हुआ रहता है रूम, इसका सीढ़ी का जो रूम रहता है वही रूम है, और रूम ने बना हुआ है। छत पूरा बड़ा है, खुला खुला छत है, जो छत को तो मैंने पहले भी आप सबको दिखा दिया है, ऊपर से एक बार फिर से दिखा देती हूँ। मेरा मन नहीं भरता है, मेरा मन देखने का करता तो आप सबको मैं दिखा देती हूँ। हालांकि आज तो पीयूष दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं तो अभी नीचे ही देख रही हूँ, पीयूष ने पहले ही आप सबको दिखा दिया है। फिर हम अपना घूम रहे हैं, हालांकि आधा घंटा के लिए हम यहाँ रुके होंगे, उसके बाद घर जाने के बाद फिर से मैं चली गई थी सामने भाभी के पास, तो वहाँ का भी थोड़ा बहुत शूट किया, तो वहाँ का भी मैं दिखा दूँगी आप सबको, पहले यहाँ का दिखा देती हूँ। घर जाने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, घर जाते जाते मतलब कि 1:30 बज गया था। उसके बाद घर जाने के बाद थोड़ा सा खाने पीने का किया, फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। उसके बाद शाम में फिर से मुझे जाना था, जो मैंने शायद आपको पहले बता दिया, भाभी के यहाँ जाना था, तो मैं तो पहले ही मतलब 4:30 बजे गई, पीयूष लग के बाद में पीछे से गए हैं, तो वहाँ का भी थोड़ा बहुत मैं आपको सबको दिखा दूँगी। पहले यहाँ का व्यू देख लीजिए, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा हरियाली पूरा छाया हुआ है, देखने में तो सबको अच्छा लगता है, वैसे जो शहर में रहते हैं उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है, गाँव का व्यू गाँव का होता है। उसके बाद यहाँ शाम का समय है, ये शाम के 7:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ देखिए लिट्टी बन रहा है, अब भाभी भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, दोनों मिल के बना भी रहे हैं। हालांकि तैयारी ज़्यादातर भाभी ने कर ली है, ढोकला है, क्योंकि कल जो बना था तो मैंने भाभी के यहाँ नहीं भिजवाया था, तो यहाँ आने के बाद फिर से हमने बना लिया है, लिट्टी भी बनाया है, ढोकला भी बनाया है। ढोकला मतलब आने के साथ में खा लिया, लिट्टी भी रात के लिए बन रहा है, ये ठंडा पी रहे हैं सबको मिल के, तो वही भाभी बोल रही थी पता कैसे चलेगा ठंडा है कि पानी है, क्योंकि दोनों तो सेम लगता है देखने में, तो बोले कि सबको साथ में दिखाएं तो सबको समझ जाएंगे, पानी सबको साथ बैठ के नहीं पीते हैं, ठंडा ही पी रहे हैं, इसलिए ठंडा का बोतल भी दिखा दिया है। ये मेरा भतीजा है जो आपसे, सबके हाथ में गिलास है, अब पानी का समझे या फिर कोई चीज़ का समझे, देख लो पानी है, पानी पिला रहे हैं सब, क्या चीज जानो दीदी, पीने के बाद है ना मतलब कि ठंडोपन लग रहे हैं, गर्म को लग रहे हो, तो ठंड के मौसम गर्म गड़ू होती बनाएगा कोई।
मोटा कितना हो गया? मेरा मैं बेदे ही बना की ऐसा मत बनाया, बात बता दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों भाई खाते हुए कितने प्यार से खा रहे हैं। तीसरा भाई अभी गया हुआ है, वरना आप देख सकते थे कैसे ठूसता है ये लोग। देखिए देखिए उसको देखिए कितना आराम से ठूस रहा है। इससे पता चलता है कितना भुक्कड़ सा भाई है मेरा। देखिए 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 कितना बर्बाद भाई है। ज्यादा बोलिए मत, मुझे भाई को देखिए। अभी हम आपको दूसरे भाई से मिलाते हैं। अभी 9:30 बज रहा है, तुरंत हम आए हैं भाभी के यहाँ से। वहाँ वीडियो बनाने का इसीलिए कम बनाती हूँ क्योंकि वहाँ का लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। यहाँ तो मैंने अपने हिसाब से लाइट लगा हुआ है, अब वहाँ थोड़ा सा कम लगता है, इसलिए वहाँ का वीडियो बहुत कम बनता है क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा सा रहता है। हालांकि जब याद आया तब थोड़ा सा शूट कर लिया, और वहाँ जाने के बाद उतना याद नहीं रहता है। पीयूष लग के चले गए वहाँ आंटी जी के यहाँ, क्योंकि अंकल जी का आज ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करवा के आए आँख का, तो वही दादाजी को देखने के लिए गए। गई तो मैं भी थी, पर मैं दीवार से बात करके आ गई, उधर नहीं गई हूँ। सुबह जाऊँगी क्योंकि आने के बाद मैं खाना लेके आई हूँ, तो खाना निकालूँगी, दूध गर्म करूँगी, खूब सारा काम अभी मुझे करना है। तुरंत आगे मैं बैठी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। वीडियो तो वहाँ जाने के बाद मैंने शूट नहीं किया, पीयूष लकी ने या फिर आराधा ने किया है, तो मैंने देखा नहीं, मैंने थोड़ा सा किया था शायद, तो देखती हूँ कैसे क्या हुआ है, बना है कि नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे उतना नहीं रहता है। अच्छा लगता है, बहुत दिन बाद हम गए भी हैं, याद ही नहीं हम कम गए, दो महीना हो गया मेरे ख्याल से, तो 2 महीना बाद आज हम गए हैं। बहुत दिन से भाभी बोली थी तब जाके हम आज जाके आए हैं, क्योंकि जाना होता ही नहीं है, तो संडे का दिन था इसलिए मैं चली गई। आज तो सुबह से घूम ही रहे हैं, सुबह भी घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ का भी मैंने आपको दिखाया था। तो अभी भी जैसे शाम में मैं 4:30 बजे गई, 4 बजे घर से गई हूँ, उसके बाद पीयूष लगे ट्यूशन करने के बाद गए थे 6:30 बजे में शायद, मैं अकेले गई, फिर पीयूष लगे पीछे से गए हैं, क्योंकि आराध्या आराव भी नहीं थे, वो दोनों भी अपना पढ़ने के लिए ट्यूशन करने के लिए गए हुए थे, इसलिए एग्ज़ाम का समय है, इसलिए मैंने जा भी नहीं रही थी कि बच्चों का पढ़ाई फिर ये होता है। तो भाभी बोली कि आप पहले आ जाइएगा, बच्चा बाद में आ जाएगा ट्यूशन करने के बाद, इसलिए बाद में जाके आ गए, पर जाके आने के बाद अच्छा लगता है। मेरा सूट कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने पहना है पर वीडियो में शायद नहीं पहना है, क्योंकि ये घर में पहनने के लिए लिया हुआ है मेरा, बाहर जाने के लिए नहीं, पर वही नया है तो मैं बाहर जैसे जाती हूँ मार्केट वर्केट तो पहन लेती हूँ। मैंने वहाँ खाना खा लिया, फिर उसके पापा के लिए खाना मैं लेके आई हूँ, शायद आपको दिखाऊंगी भी क्या लेके आई हूँ मैं, वहाँ जो बना है वही लेके आई हूँ, क्योंकि ढोकला तो भाभी का मन था इसलिए मैंने वहाँ बना लिया है। हाँ, पर हम फिर उसके पापा ढोकला खाते नहीं हैं, लिट्टी है जो लेके आई हूँ, लिट्टी भी कुछ अलग तरीका से बना है, तो वो भी दिखाऊँगी क्या क्या लेके आए हैं लिट्टी के साथ। बाहर से कभी घर आओ, मैं पूरा समेट के गई थी, उसके बाद भी आई हूँ तो वहाँ दीदी का खाना रखा हुआ है जो मैं निकाल के गई थी कि दीदी आएगी तो अपना ले लेगी, तो वो मैं जब नहीं रहती हूँ तब तो किचन में नहीं आती है, बोल देती तो निकाल लेती, बिना बोले आती नहीं है, कितना बार बोला हुआ है, अभी उसके पापा ने दिया नहीं होगा, यहाँ दीदी का खाना पूरा ऐसे कैसे रखा हुआ है। तभी इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे यहाँ चावल दाल कोई खाएगा नहीं, तो उन्हीं को सुबह दे दूँगी, फ्रिज में रखूँगी, और इसमें जो मैं लेके वो बना है ढोकला तो मैं लेके नहीं हूँ, क्योंकि उसके पापा खाते नहीं हैं और हम सब खा रहे हैं। ये लिट्टी है जो भाभी ने मैंने दोनों ने मिल के बनाया है, लिट्टी भी खूब सारा है, इसमें भी लिट्टी, उसमें भी लिट्टी और इसमें भी लिट्टी है, लिट्टी का खा हुआ है, सुबह नाश्ता में होगा भी तो कोई खाएगा नहीं। ये चोखा है आलू और बैंगन का, दोनों मिक्स किया, बहुत अच्छा चोखा है। इसके बाद ये छोला है, इसके साथ खाते हैं तो अच्छा लगता है, गर्म गर्म मैं इसको बंद करके रख दूँगी, क्योंकि अभी भी उसके पापा खाएंगे, खाने वाले हैं। तो इसमें मीठा चटनी है और इसमें धनिया वाला चटनी है, सब चीज़ डाल के खाते अच्छा लगता है, नहीं मैं तो खा गई हूँ, पेट पूरा मेरा भरा हुआ, कुछ खाने का मन नहीं है। फिर उसके पापा को खिलाऊँगी, बाद में रख दूँगी, क्योंकि चाय के साथ फिर लिट्टी अच्छा लगता है, अभी तो जैसे बना के खाना अच्छा लगता है, चाय के साथ वैसे अच्छा लगता है। तो ये फ्रिज में रखूँगी खाना जो रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ख़राब होने का डर रहता है, तो इसको फ्रिज में रखूँगी। आज सुबह से जब खाना मैंने बनाया है तो किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ,
कि ज्यादा कुछ बना नहीं, हल्दी में चावल दाल जो बना था वही बना, तो उसमें किचन ज्यादा गंदा हुआ नहीं, साफ साफ हुआ लग रहा है, गंदा नहीं था। रात में दोबारा से जब साफ करना पड़ता है, थोड़ा सामान इधर उधर था पर किचन गंदा नहीं था। लाइट एक चालू है तो इसमें पता चला उधर वाला लाइट चालू नहीं है, इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। पता नहीं बना क्या है क्या नहीं बना, मैंने देखा नहीं है। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।